परिवारों के बीच जमीन का झगड़ा है, उसका खूब बढ़िया से एस्टेब्लिश केस है, उसमें एक मर्डर हो चुका है, उसमें एक जमीन का मामला न्यायालय में लंबित है और ये बिल्कुल झूठ बोला जा रहा है कि इसको लेकर झगड़ा हो रहा है। नियम मंत्री प्रभोग करने का काम कर रहे हैं सर, नियम मंत्री प्रभोग करने का काम कर रहे हैं, कौन है वो आपके पुलिस अधिकारी के खिलाफ वो कर रहे हैं कि मुर्दाबाद का नारा लगाइए, तो एक पद पर रहते हुए एक आदमी कोई किसी को प्रभोग करे तो उस पर क्या पुलिस कोई एक्शन नहीं लेगी? देखिए जमीन पर कोई प्रोवोकेशन नहीं हुआ है, जमीन पर वीडियो है, वीडियो है, जमीन पर कोई प्रोवोकेशन नहीं हुआ है, जमीन पर कोई प्रोवोकेशन नहीं हुआ है। डीजीपी साहब प्रेमा, आपने कहा कि प्रेमा फसाई एविडेंस में अररिया के इंसिडेंट में आपने गिरफ्तार कर लिया, अभी एसएसएल का रिपोर्ट आना बाकी है, यहाँ पर भी समाज में तनाव उत्पन्न कराने की कोशिश की जा रही, जो कि आपने बोला कि यादव परिवार के लोग हैं, जमीन विवाद है वो मामला दूसरा है, लेकिन कुछ लोग जो है तनाव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या उन पर भी कार्रवाई होगी? मेरा यह सवाल आपसे भी है और गृह सचिव महोदय से भी, क्योंकि इस राज्य में एक ही राज्य में 100 किलोमीटर के अंदर आपके दो रूट कैसे हो सकते हैं? मतलब आम जनता अगर कहीं पर करे तो उस पर कार्रवाई हो जाए, कोई अगर इस तरह का कोई फर्क नहीं है, आम जनता और खास जनता का कोई फर्क नहीं है। एक मामले को दूसरे से लिंक करके नहीं देखिए, लिंक करने की जरूरत नहीं है। आज के बीच ये मैसेज जा रहा है कि पुलिस एक आदमी को एक मामले में अरेस्ट कर रही है प्रमोट करने पर, और दूसरी जगह एक आदमी ये कह रहा है कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मेरे ख्याल से डीजीपी साहब ने स्थिति पुलिस की स्पष्ट कर दी है कि पुलिस सभी चीजों पर विचार करती है, और आपने कार्रवाई में डिस्क्रिमिनेशन किया है, आपने उन बच्चों को बिना किसी एविडेंस के, बिना एफएसएल के रिपोर्ट के आपने उनको अंदर कर दिया। यूनियन मिनिस्टर बोल रहा है कि नहीं, मैंने बोला है डीएसपी मुर्दाबाद आपको उसके खिलाफ कुछ कर, आपने एक सलाह तक दर्ज नहीं किया। अगर एफएसएल की रिपोर्ट, आप कैसे बात कर रहे हैं, आपका क्या रूल है, क्या रूल ऑफ लॉ क्या है? अगर एफएसएल की रिपोर्ट अभियुक्त के बारे में बरी करने की होगी तो उसको उसका लाभ जरूर मिलेगा, एफएसएल की रिपोर्ट आने दीजिए।